6.7 प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषताएं। ये कोशिकाएं भी कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति से घिरी रहती हैं, परंतु इनमें कुछ कोशिकांग नहीं पाए जाते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्जीकाय आदि। इनसे संबंधित कार्य कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होते हैं। कुछ कार्य कोशिका झिल्ली की अंदरूनी सतह पर भी संपन्न होते हैं। इनमें छोटे आकार वाले राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम बैक्टीरिया में क्लोरोफिल भी होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुवांशिक पदार्थ अक्सर वृत्ताकार रचना के रूप में होता है। बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया दोनों प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। अध्याय 1 से सहायता लेकर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की अन्य प्रमुख विशेषताओं को लिखें। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में दो अंतर लिखें। कोशिका में कई जैविक प्रक्रियाएं संपन्न होती है, जैसे श्वसन, पोषण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन आदि। इन सारी प्रक्रियाओं को करने में कोशिका के सभी अंग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि हमारे शरीर को चलाने में विभिन्न अंग तंत्र मिलकर काम करते हैं। इसलिए कोशिका को सजीवों की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। 6.8 कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी। बहुत समय तक लोगों की यह धारणा थी कि जीवों का निर्माण मिट्टी, हवा और पानी से स्वतः जनन के रूप में होता है। कई सालों तक कई वैज्ञानिकों के शोध के फलस्वरूप इस बात का खंडन हुआ, मगर सवाल था कि कौन सी इकाई है जिससे जीव बनते हैं और उनकी शारीरिक संरचना का निर्माण होता है। आज से लगभग 200 साल पहले जीवन की इस इकाई की खोज की दिशा में कई प्रयास किए जा रहे थे। उनमें से कुछ वैज्ञानिक जैसे मैथियास, जैकब श्लीडेन और थियोडोर श्वान तथा रुडोल्फ विर्चौ की बात उल्लेखनीय है। श्लीडेन और श्वान में से एक वनस्पति वैज्ञानिक थे और एक जंतु वैज्ञानिक। दोनों ने कोशिकाओं का गहन अध्ययन किया और पाया कि कोशिका ही वह इकाई है जिससे जीव का शरीर संगठित होता है। रुडोल्फ विर्चौ ने लगभग 1855 के आसपास देखा कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं और नई कोशिकाएं बनती हैं। श्लीडेन, श्वान तथा विर्चौ के अवलोकन के आधार पर प्रतिपादित जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण सिद्धांत कोशिका सिद्धांत बना, जो इस प्रकार है। पहला, सभी सजीव कोशिकाओं कोशिकाओं के समूह और अंतःकोशिकीय पदार्थ से बनते हैं। दूसरा, कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तीसरा, सभी कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से पैदा होती हैं। ध्यान देने की बात यह है कि कोशिका के नामकरण से लेकर कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन के बीच 200 वर्षों का अंतर रहा। कोशिका सिद्धांत कोशिका के बारे में हमारी समझ को कैसे स्पष्ट करता है? क्या विज्ञान के किसी भी सिद्धांत को किसी व्यक्ति विशेष या दो व्यक्तियों के देन माना जा सकता है? क्यों या क्यों नहीं?